अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लाइफ विद एनिमल्स में। दोस्तों, आज हम हैं वापस से भिवंडी में। बहुत ही अच्छे अंडों का कलेक्शन है जो हम शूट करने वाले हैं। अभी आपको सब नग दिखाते हैं, कहाँ पे हैं वो दिखाते हैं और क्या प्राइस होने वाला है, क्या डिटेल पे हैं सब बकरे। और चीज़ बहुत ही अच्छी है, सब चमकदार है। तो जानते हैं अहमद भाई से कि कौन कौन से नस्ल में बकरे हैं और क्या डिटेल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम, और रिजवान भाई खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है भाई। भाई ये सब जो देख रहे हैं हम, ये सब खस्सी में है कि अंडू में है? ये सब अंडू में है, सब बड़े फ्रेम में बच्चे हैं। सब बड़े फ्रेम बड़े फ्रेम के बच्चे हैं और सब चार से एक आधी आठ दांत का हार्डली होगा बस, बाकी चार दांत से छः दांत के बीच में ही है। और सब अच्छे बच्चे एकदम तैयार, एकदम बोलते हैं ना कुर्बानी के लिए। और किसी को अगर पंटी करने का है तो भी हो सकता है। ये देखिए ना, जैसे ये बच्चे जो है ये चार दांत के हैं। अभी देखिए इसका सीधा दिखाइए, ये देखिए। नहीं माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा बच्चा है, बहुत बहुत एक्टिव है और बहुत एग्रेसिव है। इसको तो मैंने पकड़ा हुआ है, वरना ये किसी को बाड़े में रहने नहीं देते। ऐसा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। और ये बच्चा जो देख रहे हैं, बहुत अच्छे फ्रेम का बच्चा है। कितने अच्छे इसके आँख के ऊपर का आप देखिए, कलर पैटर्न जो आया है ना, हाँ बहुत खूबसूरत है। बराबर, ये देखिए ये जो आँख के पैटर्न ऊपर से हो, देखिए बराबर, बहुत बहुत खूबसूरत बच्चा है ये भी। क्या डिटेल होगी भाई इसकी? ये मेरे हिसाब से तो ऐसा तुला तो नहीं है, बट 80 kg के आसपास हो भाई। 80 kg के आसपास। और दांत 39 के आसपास हो। दांत आपके पास, दांत चेक कर लीजिए उसका, जबकि मैं और बकरे दिखाता हूँ। बकरे बहुत ही शानदार और बहुत अच्छे अच्छे बकरे हैं। 6 दांत में बच्चे, अभी 6 दांत की है। अभी कोई पलटी में रखेगा इंशाल्लाह तो अच्छा रिजल्ट आएगा। नहीं, फ्रेम वगैरह पाए हुए का बहुत अच्छा बच्चा है। कलर देखिए ना इसका, कितना अच्छा है आगे से। और भी मेरे पास देखिए ना, कि बॉक्स में बच्चा कितना खूबसूरत है, इसको देखिए। हाँ नहीं, सीना वगैरह माशाल्लाह, दिल खुश हो गया देख के। सीना वगैरह देखिए, बहुत अच्छे बाल वगैरह का बच्चा है। आप सीना वगैरह चेक करें इसका, बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब अच्छे कलरफुल बच्चे हैं एकदम। हम पूरे बच्चे दिखा नहीं पा रहे, जगह का कंजेस्टेड है। ये देखिए वो हिसाब से बहुत माशाल्लाह फ्रेम का। अभी 6 दांत पे है, 6 दांत पे मेरे ख्याल से 85-90 kg के आसपास होना चाहिए इसका। अगर 1 साल के लिए रखेगा हाँ, तो ये इंशाल्लाह मेरे को लगता है 120+ तो जाएगा ही जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो चीज है ये वाकई में सब बच्चे एकदम सही है और सब क्लाइमेट सेट पे एकदम सेट हुए हैं। फुल कोई भी बीमार वगैरह नहीं भाई। क्वालिटी है, क्वालिटी जो बोलते हैं, जो फार्म वगैरह पे क्वालिटी होती है ना, बराबर बराबर वो क्वालिटी के बकरे हैं माशाल्लाह। और 1 साल पलटी का तो आराम से बच्चा है वो, बराबर। ये देखिए, ये तो देखिए भी अच्छा है। हाँ ये भी देखिए, ये भी माशाल्लाह बच्चा बहुत है भाई। इसका दांत क्या होगा? क्या है फार्म पे सब लोग अपने हिसाब से बकरा रख के वो हिसाब से महंगा बोलते हैं। अपना प्राइस रेंज भी एकदम सही है, कोई चीज का कुछ नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह कम ज्यादा कर देंगे। आप आइए, मेरा बोलना है कि आप आके एक बार देखिए, बस एक बार देखिए, जो होगा आप रिजनेबल आप वो लगा देंगे। बराबर, ये देखिए ना इसमें एक और है, ये देखिए गुलाबी, देखिए ना गुलाबी, गुलाबी चमड़ी में भी एक है मेरे पास। हाँ इसका असल में बाल कट गया जरा, हाँ तो ये हिसाब से थोड़ा सा वैसा दिख रहा है। इसका चेहरा वेरिया देखिए, कलर वलर देखिए। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा बहुत 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 प्यारा बच्चा है। ये देखिए अच्छे से। और एक बच्चा ये भी दिखाइए, ये बहुत अच्छा बच्चा है। फ्रेम सबसे अच्छी बात यह है कि बकरों के, आपके जो बकरे हैं उनका फ्रेम बहुत प्यारा है, जो लोग पसंद करते हैं कमांड पीट। हाँ कमानी पीट है, सब लंबे फ्रेम के बच्चे हैं, 1 साल आराम से पलटी हो सकता है। ये 1 साल आराम से रखने वाली चीज है। ये भी मेरे को लगता है, देखो दांत देखिए इसका आप, कि क्या दांत पे है बकरे। ये सब आप एक बार क्वालिटी देखिए कि क्या क्वालिटी के बकरे हैं, सब कमांड पीट के बहुत ही अच्छे फ्रेम के बच्चे हैं माशाल्लाह। अभी 6 दांत किया है इसने, बहुत अच्छा बच्चा है, फुल चमकदार बच्चा है, सीना वगैरह बहुत प्यारा है। ये तो ये हाइट है दूसरी मेरे पास। ये हाइट क्या होगी भाई? ये बहुत बड़ा दिख रहा है मेरे को, मेरे ख्याल से 40 के आसपास होना चाहिए। 40 के करीब तो होगा, 40 हाइट होगी मेरे हिसाब से। ये देखिए ना, नहीं चीज़ आप जितनी भी रखे हो अंडू का कलेक्शन वगैरह, और आपके मैं खस्सी भी देखा माशाल्लाह, सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। अरे मैंने एकदम सब चुन चुन के लिया हुआ है, इस तरह के जैसे मैंने पहले भी बता चुका है, सब चुन चुन के ही मैंने लाया। नहीं ये देख के लग रहा है, ये सब जो बच्चे हैं ये आप कुर्बानी के लिए बिंदास लेके जाइए, कोई इसमें कुछ ऐप वगैरह कोई मसला नहीं है।
और कैसा है कि अगर किसी को पल्टी करना है हाँ। तो पल्टी के लिए भी मेरे पास ये देखिए फ्रेम देखिए, फ्रेम तो माशाल्लाह अभी तो ये सब खाली है, रखना रहता है बकरा तो फ्रेम हाइट वगैरह सब है बच्चे सब है बच्चे एक साल आराम से कोई रखना चाहे तो रख सकता है इंशाल्लाह ताला 100 kg प्लस जाएगा नेक्स्ट ईयर तक आराम से इंशाल्लाह, अगर कोई अच्छे से खिलाएगा रखेगा ना तो बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। माशाल्लाह जितने भी बच्चे आप हैं आप, मैं तो यही बोलूँगा आप लाइव आकर देखें, लाइव देखने में और वीडियो देखने में बहुत फ़र्क होता है, तो आप जितना हो सकता है लाइव आके देखें एक बार इनके पास कलेक्शन, कलेक्शन बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छे क्वालिटी के बकरे हैं। और जितना भाई ये सब किलो से होने वाले हैं कि नग पे होने वाले हैं? नहीं ये सब जो है जैसे कैसा है कि ये सब तो नग से ही है। अच्छा और ऐसा नहीं कि मैं बहुत आओ ज्यादा भाव बोलूंगा ऐसा नहीं, फिर भी स्टार्टिंग प्राइस रेंज क्या होगी आपको? स्टार्टिंग प्राइस जैसे अब ये देख लीजिए 30 से लेकर मेरे का 50,000 तक अच्छा रहेगा, कोई ज्यादा नहीं है हाँ। आप खुद आके पहले सामने बकरा दे दीजिए, मैं कुछ फार्म की तरह ज्यादा भाव नहीं बोल रहा हूँ, आप बच्चा देखिए वजन देखिए फ्रेम देखिए वो हिसाब से बोलिए, और मेरे हिसाब से तो आपको लगेगा या तो आप देख लीजिए दूसरी जगह तो नेगोशिएबल है। अब इसमें कैसा है कि रिजवान भाई कैसा है, मैं ऑलरेडी प्राइस बहुत कम रखा हूँ इसमें हाँ। ऐसा नहीं है बट कोई कस्टमर को नाराज नहीं करूँगा, स्लाइटली नेगोशिएबल जाएगा थोड़ा सा, वो तो बोलने की बात नहीं है, और मेरे हिसाब से देखिए और पल्टी के लिए तो जरूर रखिए इसमें से बच्चे हाँ। पल्टी के लिए मैं एक दो बच्चे जो है बहुत माशाल्लाह अच्छे फ्रेम की अच्छी चीज़ है, अभी इसका फ्रेम देखिए आप, ये सब एक साल रखने वाले बच्चे हैं एंडो में, चार दांत के जो हिसाब से जो क्वालिटी में बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं। तो वीडियो को हम एंड करते हैं और यहीं ख़त्म करते हैं, और जिसको भी आना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप कांटेक्ट करें अहमद भाई को वकार भाई को और मालूम करें कि कहाँ पे है क्या डिटेल है। अस्सलाम वालेकुम।